गाइस ये है पुराना वाला ताज होटल। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। मैं 3-4 दिन से बच्चों से बोल रही थी, ये भी बोल रहे थे चलो चलो, वो गए नहीं क्योंकि यार अब को टाइम रहता नहीं है। बास्केट हैंड बॉल के लिए प्रैक्टिस के लिए जाता, पीयू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बोल रहे हैं पापा का मन है तो आप दोनों हो आओ, तो वो दोनों अभी स्कूल गए हैं। तो हम लोग अभी चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, थोड़ा घूम के आते हैं, फिर आके तो हम नीचे उतर के आ गए। काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, चलो चलते हैं। हम लोग घर से निकले थे गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, तो गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचने वाले। हम घर से निकले थे गेटवे ऑफ इंडिया के लिए तो हम आ चुके हैं। इनका देखो क्या बुरा हाल हो गया, तो लेके तो आ गए हम गेटवे ऑफ इंडिया इनको। और ये देखिए समंदर में कितना सारा पानी है, अभी बहुत ज़्यादा, देखिए पानी कितना सारा है और काफ़ी ऊपर है। अभी तो यहाँ पे बैन नहीं किया है क्योंकि अभी शाम के टाइम लहर पानी ज़्यादा ऊपर हो जाता है, तो फिर यहाँ पे आने नहीं देते हैं। बाहर रस्सी लगाई हुई है, देखिए बाहर रस्सी लगाई हुई है, इसके बाहर ही रह सकते हैं। अभी तो पानी कम है तो इसलिए आ सकते हैं यहाँ पर। देखो ये पीछे गेटवे ऑफ इंडिया है, ये देखिए ताज होटल है, पुराना नया दोनों आप देख सकते हैं। ये देखिए आपको फ्रंट से भी दिखाएंगे, अभी बैक से दिखा रहे हैं। गाइस ये देखिए खड़े हैं, इनके पीछे पूरा ताज होटल का व्यू दिख रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत पब्लिक आई है, आज मंडे है, संडे को तो और भी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए गेटवे ऑफ इंडिया है, सामने समंदर है, ये देखिए शिप है, कितनी सारी शिप खड़ी हुई हैं, छोटी छोटी लग रही हैं। पानी भी काफ़ी ज़्यादा है बट शाम से थोड़ा कम है, शाम को ज़्यादा हो जाता है फ्लो। हमारे पीछे ताज होटल की न्यू बिल्डिंग भी है जो ब्लास्ट में टूट गई थी, उसके बाद बनी हुई है, और पुरानी इस साइड में है। और पीछे देखो गेटवे ऑफ इंडिया है, ये है पुराना वाला ताज होटल। पहले था ये, उसके बगल में इन्होंने एक नया बिल्डिंग बना दिया है।
को जाना है, इसलिए फाइनली लेके आया है। अब हम चलते हैं घर के लिए। तो अभी थोड़ा सा हम ताज होटल के सामने पर भी थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे। और ताज होटल में जाने का विचार था बट अभी नहीं जा सकते क्योंकि बच्चे नहीं हैं साथ में। नेक्स्ट ये आएंगे जब लेने हम लोगों के लिए, तो एक बार घूम के जरूर जाना है ताज होटल के अंदर। गेटवे ऑफ इंडिया का ब्लॉग आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए हमें यहाँ पे आपको हमारा यहाँ पे कौन सा व्यू ज़्यादा अच्छा लगा आपको गेटवे ऑफ इंडिया का। कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा ज़्यादा अच्छा पार्ट लगा हमारा। तो ओके बाय।